5000 साल पहले उत्तरी स्कॉटलैंड में एक प्राचीन सभ्यता रहती थी। उन्होंने स्टोनहेंज का निर्माण किया था, जो अब तक के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। उसे इतनी बारीकी से बनाया गया है कि ये सूरज की संक्रांतियों और बराबर दिन रात वाली स्थितियों से मेल खाता है। लेकिन इसे बनाने वालों ने एक को छोड़कर अन्य कोई अभिलेख नहीं छोड़ा। ये कप्स और रिंग्स के अनोखे निशानों से ढके पत्थर हैं। मुझे लगता है कि आज हर कोई समझ सकता है कि एक बाहर की ओर फैलते सर्कल का मतलब है रेजोनेंस। ये कम्युनिकेशन का प्रतीक है, लेकिन इनका मतलब अब तक सामने नहीं आया है और कई सदियों से आर्कियोलॉजिस्ट्स इसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये नक्शे हैं? क्या ये नक्षत्र हैं? क्या वो लोग अपने इलाके की सरहद बना रहे थे? इस बारे में सैकड़ों अलग अलग राय हैं। अब विशेषज्ञ एक ऐसे सुराग की तलाश में स्कॉटलैंड के जंगलों में जा रहे हैं, जो इस रहस्यमय पहेली का खोया हुआ हिस्सा हो सकता है, यानी कॉकनो स्टोन। स्टोन एक बड़ा सैंडस्टोन आउटक्रॉप है, जिस पर रंग के निशान हैं, जो 4 से 5 हजार साल पुराने हैं। इस पत्थर को पहली बार 1885 में ढूंढा गया था और कहा जाता है कि इस पर 90 से ज्यादा निशान बने हुए हैं। इतने सारे निशानों से शायद विशेषज्ञ पूरी दुनिया में मौजूद ऐसे प्रतीकों को समझ पाएंगे, लेकिन इसमें एक समस्या है। एक दिन अचानक वो पत्थर गायब हो गया। 1965 में खबरें आईं कि स्थानीय लोग उस पत्थर को नुकसान पहुंचा रहे थे। उस पर बने निशानों के नष्ट होने की आशंका से स्कॉटलैंड के अधिकारियों ने एक बड़ा फैसला किया कि पत्थर को दफन कर दिया जाए। क्या फैसला लिया? अगर कोई स्टोनहेंज पर निशान बना दे तो आप उसे नष्ट तो नहीं करेंगे? यकीन नहीं होता कि कोई इतनी कमाल की आर्कियोलॉजिकल साइट को मिट्टी में कैसे दबा सकता है। अब तक बस इसके कुछ रेखा चित्र और फोटोग्राफ्स बचे थे, लेकिन अब हालात बदलने वाले हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो के आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को पत्थर को मिट्टी से निकालने की विशेष अनुमति दी गई है। इस खुदाई के काम की अगुवाई सीनियर आर्कियोलॉजिस्ट केनी ब्रॉफी करेंगे। इतने बड़े पत्थर को खोद कर निकालना सचमुच ऐसा काम है जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। पत्थर को मिट्टी से निकालने के बाद एक और टीम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से उसे स्कैन करके एक हूबहू वर्चुअल कॉपी बनाएगी। इसके बाद इन्हें पत्थर को फिर से मिट्टी से ढक देना होगा। ये इस सदी की एक अहम खुदाई है, लेकिन इस काम को पूरा करने के लिए इनके पास सिर्फ 10 दिन है। सवाल है कि हम पत्थर को नुकसान पहुंचाए बिना उसके ऊपर से 100 टन मिट्टी को कितनी तेजी से हटा सकते हैं। इस पत्थर के आसपास के जंगल इतने घने हैं कि भारी मशीनें वहां तक नहीं पहुंच सकती। सामान्य तरीके से ट्रेंच बनाते समय बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, जो ढेर सारी मिट्टी को फटाफट खोदकर हटा सकती हैं। लेकिन हम वहां बड़ी मशीन नहीं ले जा सकते थे, इसलिए हम लेके गए एक मिनी डिगर और एक छोटा सा डंपर, जिसमें बहुत थोड़ी सी मिट्टी आती थी। छोटा होने के बावजूद इस डिगर ने स्कॉटलैंड की गीली मिट्टी को तेजी से खोदना शुरू कर दिया, लेकिन इससे जोखिम भी बढ़ गया। कॉकनो स्टोन बहुत नाजुक है, पत्थर को कोई नुकसान न हो इसके लिए आर्ट रिस्टोरर रिचर्ड सालमन भी इस टीम के साथ तैनात है। वो आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा नरम है, अगर आप उसे किक करें तो मुमकिन है कि उसके टुकड़े अलग हो जाएं। अब ऑपरेटर पत्थर की सतह से महज कुछ इंच के फासले पर हैं, और जरा सी खरोंच से भी पत्थर पर बनी कार्विंग्स को नुकसान हो सकता है, और वो एक्सपर्ट्स की नजर में आने से पहले ही नष्ट हो सकती है। हमारा पूरा जोर इस बात पर है कि साइट को कोई नुकसान ना हो। ऑपरेटर अपने डिगर से खुदाई कर रहा था और हम एक स्पाइक को जमीन में गाड़ कर उसे अंदाजा दे रहे थे कि कहां तक खोदना है, और वो समझ गया। जब मिट्टी की सिर्फ कुछ इंच मोटी परत बची तो आर्कियोलॉजी स्टूडेंट्स की एक टीम ने काम संभाल लिया। हैंड टूल से लैस इन लोगों ने बहुत सावधानी से मिट्टी की आखिरी परत भी हटा दी। ग्लासगो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को इस तरह की खुदाई का काफी अनुभव है, और ये भारी औजारों और मशीनरी को इस्तेमाल करने के लिए अच्छी तरह ट्रेंड हैं, और साथ ही वो बहुत बारीक और मुश्किल काम भी कर सकते हैं।
पत्थर को पूरी तरह खोद कर निकालने के लिए ये दो पुराने स्केचेस पर निर्भर है। हम 1991 के इस मैप के आधार पर काम कर रहे हैं और एक्चुअली आप ये जो मैप देख रहे हैं वो 19th सेंचुरी का है। इसकी पहली डिटेल्ड ड्राइंग 1885 में रेवरेंड जेम्स हार्वी ने बनाई थी। वो एक छोटा सा स्केच था जिसमें कुछ रिंग्स के साथ ढेर सारे कप्स थे। उनका मानना था कि पेगन अनुष्ठानों के दौरान ड्रूड्स उन कप्स में खून भरते होंगे। जब हम यहाँ रहने आए थे तो मुझे ये जानकर इसमें बहुत दिलचस्पी हुई कि सब कुछ इसी बगीचे से शुरू हुआ था और मैं सोचता था कि पता नहीं 5000 साल पहले वो लोग यहाँ क्या और क्यों करते होंगे। शायद यहाँ बलि दी जाती होगी। पूरी दुनिया में प्राचीन सभ्यताओं ने अपने निशान छोड़े हैं। ये युगों पहले के संदेश हैं। इनमें से कुछ को समझ लिया गया है लेकिन कुछ अब भी रहस्य है। कप और रिंग के निशान इंसानों द्वारा पत्थर पर बनाए गए कुछ सबसे पुराने निशानों में से हैं। कप मार्क्स वाकई पत्थर को खोद कर बनाया गया एक कप है और रिंग मार्क्स एक ही केंद्र पर बने सर्कल्स हैं। इनमें से सबसे अहम निशानों में से एक स्कॉटलैंड के मशहूर कॉकनो स्टोन पर है। कहा जाता है कि इस पर 90 से ज्यादा निशान है। ये पूरी दुनिया के पुराने अभिलेखों से मिलते जुलते हैं। क्या कॉकनो स्टोन पूरी दुनिया में मौजूद इस रहस्य को उजागर कर सकते हैं? अब ये पत्थर बाहर आने वाला है। इसके उजागर होने में अब सिर्फ मिट्टी की एक पतली सी परत आड़े आ रही है लेकिन ये आसानी से नहीं हट रही। सवाल यह था कि मिट्टी को उस वक्त हटाना आसान था जब वो बिल्कुल गीली थी या तब जब वो बिल्कुल सूखी थी और बिस्किट्स की तरह निकल रही थी। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। काम रुक गया और फिर एक स्थानीय व्यक्ति ने एक उपाय सुझाया। जब फायर ब्रिगेड वहां पहुंची और उनके होजेस साइट तक आ गए तो वो एक अहम पल था। हमें यह पक्का करना था कि वो तेज धार से पत्थर की ऊपरी सतह को नुकसान न पहुंचाएं, क्योंकि वो जिस मिट्टी को हटाने वाले थे उसके साथ आर्कियोलॉजी भी तेज पानी की धार में बह जाती। मिट्टी हटाने के बाद हमें बस सावधानी से ब्रश से पत्थर को साफ करना था। पांच दिनों की मेहनत के बाद मिट्टी साफ हो गई। कई दशकों के बाद अब पहली बार कॉकनो स्टोन लोगों के सामने है। अचानक को एक बड़ी सी गंदी भूरी चट्टान की जगह ऐसा पत्थर नजर आने लगा जिस पर कमाल के सिंबल्स और रंग मौजूद थे। ये सचमुच जबरदस्त था। ये सचमुच कमाल की बात थी क्योंकि मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये कैसा दिखेगा। हमने फोटो तो देखी लेकिन ये पता नहीं था कि ये असल में कैसा होगा। इस बड़े से पत्थर पर रिंग्स की भरमार है। सबसे बड़े रिंग्स लगभग 2 फुट के हैं। ये बहुत कायदे से बने हुए हैं। ये टेढ़े मेढ़े नहीं है, सर्कल्स फैले हुए नहीं है, ये बिल्कुल गोल है और सब समान केंद्र पर है। इससे समझ में आता है कि इसे काफी कुशलता और अनुशासन से बनाया गया था। लेकिन इनका मतलब क्या है? पेंट की धुंधली लाइन से इसका जवाब मिल सकता है। ये ब्रॉन्ज एज यानी कांस्य युग में बनी लाइनें नहीं है बल्कि एक इतिहासकार ने इस कोड को समझने की कोशिश में इन्हें बनाया था। लुडविग मैन ग्लासगो की आर्कियोलॉजी में काफी इन्वॉल्व थे और शहर के आसपास ब्रॉन्ज एज की साइट्स पर खुदाई करते रहते थे। 1937 में मैन ने दावा किया कि ये प्रतीक एक एस्ट्रोनॉमिकल मैप थे जिनसे पुराने जमाने में ग्रहण के समय का हिसाब लगाया जा सकता था। अपने इस अनुमान को लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने इस पत्थर की तस्वीरें ली लेकिन रिंग्स को पेंट करके और पत्थर पर ग्रिड लाइंस खोदकर उसे काफी नुकसान भी पहुंचाया।
जब हमने इसे देखा तो हमें तुरंत वो रंग नजर आ गए जो स्टोन को रंगते समय लुडविग मैन को नजर आए थे, लेकिन मेरी राय में उनमें से कोई भी असली नहीं था। उन्होंने शायद पत्थर के कुदरती निशानों को गलती से रिंग समझकर रंग दिया था। अपनी चूकों के बावजूद क्या मैन सही दिशा में सोच रहे थे? सभी संभावनाओं पर विचार करने की कोशिश में ऑफिशियल्स ने कई तरह के एक्सपर्ट्स को इस स्टोन को इंस्पेक्ट करने का मौका दिया। मैं ग्रेहम गार्डनर हूं, मैं एक प्रोफेशनल डाउजर और जोमांसर हूं। लोगों के हिसाब से डाउजिंग का मतलब पानी ढूंढने से है, पर मेरी दिलचस्पी पृथ्वी की एनर्जीज पता लगाने में है जिन्हें आप कहते हैं ले लाइंस। यहाँ एक एनर्जी ले है जो ठीक यहाँ से होकर गुजर रही है और उसका छोर शायद यहाँ इस बड़े मार्कर पर है, और ये वाले जो आगे तक जा रहे हैं ये पूर्व से पश्चिम वाली लाइन लगती है। हो सकता है कि ये इक्विनॉक्स के समय सूर्य उदय और सूर्य अस्त की दिशा हो, और मुझे लगता है कि यहाँ इस बात के सबूत हैं कि वो बहुत विकसित एस्ट्रोनॉमर्स थे। क्या ये रिंग्स किसी नक्शे की ओर संकेत करते हैं? उत्तर पूर्वी स्कॉटलैंड में एक्सपर्ट्स ने अब तक खोजी गई सबसे रहस्यमय आर्टिफैक्ट्स में से एक कॉकनो स्टोन पर जमी मिट्टी को हटा दिया है। टीम को उम्मीद है कि कांस्य युग के इस कार्विंग से पूरी दुनिया में कई जगह पाए गए सीक्रेट कोड जैसे निशानों को समझने में मदद मिलेगी। पूरी दुनिया में कई जगह पत्थरों पर ऐसे ही आकार बने हुए मिले हैं और जाहिर तौर पर वो एक ही ट्राइब या संस्कृति के नहीं है। अब अगली जनरेशन के औजारों के इस्तेमाल की बारी है। फैक्टम आटे नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन पुराने आर्टिफैक्ट्स को स्कैन करने में वर्ल्ड लीडर है। जब इन्होंने किंग टूटनखामन के मकबरे को स्कैन किया था तो उससे मिली जानकारी ने तहलका मचा दिया था। मुझे लगता है हमारा सबसे फेमस मोमेंट वो था जब हमने जो डेटा कलेक्ट किया उसको स्टडी करते हुए आर्कियोलॉजिस्ट निकोलस रीव्स ने कुछ खास निशानों पर गौर किया था, जिससे पता चला कि वहाँ एक और बरियल चेंबर था। अब ये लोग कॉकनो स्टोन पर काम कर रहे हैं। टीम ने फोटोग्रामेट्री कहलाने वाले एक प्रोसेस से अपना काम शुरू किया। इसमें किसी चीज को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हजारों ओवरलैपिंग तस्वीरों का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि उस चीज पर कोई कचरा या मलबा न हो, और स्कॉटलैंड के पतझड़ का मौसम इसमें दिक्कत पैदा कर रहा है। हम फोटोग्राफी के इमेजेस ले रहे हैं, इसलिए अगर किसी डिटेल पर कोई पत्ता पड़ा हो तो आप उस डिटेल को दर्ज नहीं कर पाएंगे। स्टूडेंट्स और वॉलंटियर्स ने सारे पत्तों और मिट्टी के हर कण को हटाया ताकि कोड को समझने के लिए फैक्टम आटे सारी बारीकियों को दर्ज कर सके। और हम इसे फोटोग्रामेट्री के जरिए जिस तरह स्कैन कर रहे हैं उसमें कैमरा एक लीनियर गाइड पर लगा हुआ है और एक बार में एक एरिया पर फोकस कर सकते हैं और सबसे अच्छी तस्वीर लेकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन तस्वीरों से बस इतना ही पता चल सकता है। पत्थर पर ऐसे सिंबल्स बने हो सकते हैं जो बहुत हल्के हों और जो सिर्फ आंखों से नजर ना आए। हर मुमकिन बारीकी दर्ज हो जाए ये पक्का करने के लिए ये इस पत्थर को लेजर से स्कैन करेंगे। आज हम एक लाइका P40 लेजर स्कैनर इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे हम पत्थर के आसपास कई अलग अलग पोजीशन से डेटा कैप्चर कर सकते हैं, वो भी बहुत हाई रेजोल्यूशन में। लाइडार से इस टीम को पत्थर की दूरियों और तराशने के निशानों की गहराइयों को सटीकता से नापने में मदद मिलेगी। एक बार आपको ये समझ में आने लगे कि लोग कप और रिंग मार्क्स को कैसे बना रहे थे तो फिर आप ये समझना शुरू कर सकते हैं कि वो कौन से औजार इस्तेमाल कर रहे थे। इसलिए लेजर सर्वे से हमें ये सारे जवाब मिल सकते हैं। स्कैनिंग का काम पूरा होने के बाद ये इस पत्थर को आखिरी बार देख रहे हैं और इसके बाद इन्हें इसको फिर से मिट्टी में दबाना होगा। देखने में ये बहुत बुरा काम लगता है, लेकिन हमने गौर करके पाया कि सचमुच मिट्टी ने उसे बहुत अच्छी तरह सुरक्षित रखा था। जिन खुशकिस्मत लोगों को इस पत्थर को देखने का मौका मिला उन्हें खुशी के साथ साथ दुख भी है। हमने इतनी मेहनत से जिस चीज को उजागर किया उसे फिर से मिट्टी में दबाते हुए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन स्टोन की हिफाजत के लिए हमें ये करना होगा। 10 दिनों तक बाहर रहने के बाद इसे फिर से मिट्टी से ढक दिया गया ताकि ये बर्बाद न हो। अब
डेटा हासिल करके टीम अपने काम को 1200 मील दूर ले आई है। मैड्रिड स्पेन में फैक्टमार्टे के टेक्नीशियंस इस प्रोजेक्ट के एक आखिरी स्टेप यानी 3D मॉडल पर काम कर रहे हैं। हम यहाँ जो डेटा देख रहे हैं वो ड्राइंग और कैमरा से ली गई 2587 इमेजेस से हासिल की गई जानकारियां हैं, और अभी हमें लेजर वाली इंफॉर्मेशन को इसमें शामिल करना है। एक सदी से भी ज्यादा समय के बाद अब पूरी दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट कॉकनो स्टोन को देख सकते हैं, और इससे हैरत अंगेज जानकारियां उजागर हुई। सबसे बड़े रिंग से लेकर सबसे छोटे कप्स की गहराइयों तक हर निशान को बहुत बारीकी से दर्ज किया गया है। हम बहुत ही हैरान थे, ये हमारी उम्मीद से काफी बेहतर है, काफी बेहतर। लेकिन इसमें एक और ट्विस्ट है। अब तक आर्कियोलॉजिस्ट को लगता था कि स्टोन के रेखाचित्र विश्वसनीय थे, लेकिन जब इन्होंने उन्हें मॉडल के नक्शों से मिलाकर देखा तो पता चला कि उनमें कितनी गलतियां थीं। कुछ में निशान नहीं है, कुछ में रिंग्स को गलत जगह पर दिखाया गया है। अब आर्कियोलॉजिस्ट के पास कमाल की बारीकियों वाला एक वास्तविक नक्शा है। अब ये कॉकनो स्टोन पर दर्ज संदेशों को समझने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।